तो भाई यहाँ पे हो रहे हैं चैनल सब्सक्राइब और ये बच्चे सब चैनल पूछ रहे हैं और सब्सक्राइब करने के लिए ये बच्चे कर रहे हैं भाई यहाँ पे सब्सक्राइब और ये नवीज भाई इनको सब्सक्राइब कर करके दे रहे हैं चैनल तो ये बता रहे हैं सौरव जोशी के कजिन लगते हैं भाई। अच्छा ये सौरव जोशी के कजिन, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहित जोशी है। मोहित जोशी है, अरे भाई जोशी। मैं 3 एशियन गेम्स और 3 ही ओलंपिक खेले। अच्छा। और भारत सरकार से अर्जुन पुरस्कार भी जीता हूँ, पद्मश्री हूँ। अच्छा। और यहीं चित्रकूट में रहता हूँ। तो देख सकते हैं आप बच्चे किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, ये देखिए। हेलो दोस्तों, आज मैं और नवीश भाई आए हैं भाई स्टेडियम में, और इस स्टेडियम का क्या नाम है? चित्रकूट स्टेडियम। हाँ भाई, ये स्टेडियम है। स्टेडियम का जो उधर है मिट्टी का जो ग्राउंड है वो 400 मीटर का ग्राउंड है। अच्छा। आर्मी के बंदे तैयारी करते हैं, फिर CPU SI आता है उसकी तैयारी होती है, फिर SI जो राजस्थान पुलिस में आता है उसकी तैयारी होती है भाई। भाई टाइमिंग भी लगी हुई है और एक घड़ी भी लगी हुई है, आप चालू करके कर सकते हो। 5 मिनट का टाइम है, 5 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं है। और ये जो यहाँ पे ये गेम वेम खेल रहे हैं, इसके चार्जेस हैं क्या कोई? भाई कोई चार्जेस नहीं है। इधर जैसे कोच आते हैं, आप अपना कोच हायर कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग खेल सकते हो, और खुद आप इंडिविजुअल खोलना चाहो तो आप खुद भी खेल सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। तो इसका कोई चार्ज नहीं है? कोई चार्ज नहीं। बास्केटबॉल आप खेलो, अपनी बास्केटबॉल लेके आओ। और वहाँ पे ये जो बच्चे रनिंग कर रहे हैं इनका भी कोई चार्ज नहीं है जो प्रैक्टिस वगैरह करना चाहे? चार्ज नहीं है, बस एक टेनिस कोर्ट है उसका चार्ज है, उसका भी जो टेनिस कोर्ट वो जो पीछे दिख रहा है जो, तो अभी चलेंगे उसके पास भी अपन। अच्छा, और ये जो स्कूल है ये कौन सी स्कूल है? स्टेप बाय स्टेप स्कूल है, अभी इसका वो नाम चेंज कर दिया, जयश्री पैरीवाल कर दिया। अच्छा, जयश्री पैरीवाल। इसकी भी दो ब्रांचेस चित्रकूट। तो चलो यार थोड़ा सा दिखाओ आप हमें ये स्टेडियम और आगे से। ये जो पीछे देख रहे हैं आप मेरे पीछे, और ये यहाँ पे नवीश भाई ने बताया क्योंकि ये भी यहाँ पे भाई मैंने प्रैक्टिस की है 4 साल, मतलब खूब प्रैक्टिस की है, भगवान पता नहीं क्या सुनेगा। तो आपने जो प्रैक्टिस की है, जो अभी हाल फिलहाल में आपका SI का पेपर निकला है। हाँ भाई, तो SI के लिए भी तो आप रनिंग करते थे ना? 100 मीटर थी, अपन फिजिकल फिट है, तो मैंने 2-3 दिन की थी, निकाल दी थी भाई, एक्सीडेंट मार गया वो। तो चलो निकाल दिया आपने, लेकिन आपने पहले जो बोल रहे हैं कि मैंने यहाँ पहले, मतलब उसकी CPU SI की थी, उसकी तैयारी की थी, 1600 मीटर होती है। एक भाई आर्मी की थी, थोड़ा जुनून था 12th के बाद, 4 मिनट के नीचे नीचे। तो ये बताओ यार, यहाँ जो ये बच्चे खेल रहे हैं बास्केटबॉल ग्राउंड पे खेल रहे हैं, कोई वॉलीबॉल ग्राउंड पे भी खेल रहे हैं, देखो ये उस तरफ है, तो ये क्या, इसके कुछ चार्जेस हैं या फ्री ऑफ कॉस्ट? भाई इसके कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप आओ इधर खेलो, और आप कोचिंग भी देना चाहो तो आप खुद भी कोच बन सकते हो। अच्छा, आप यहाँ पे कोचिंग भी दे सकते हो अलग से, आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। देखिए भाई को गेम ना, तो मैंने देखा ये जो लोग बैठे हैं ये किस लिए बैठे हैं यहाँ पे? ये थाले बैठे हैं इनके पास। अच्छा, मतलब टाइम पास करने भी आ सकते हो आप, इसकी कोई एंट्री चार्जेस तो है? कब से प्रैक्टिस कर रहे हो यहाँ पे? तो आप खुद ही बास्केटबॉल की कोई कोच हायर कर रखा है? अच्छा, कोच सिखाते हो? कौन सी स्कूल में हो? आर्मी पब्लिक स्कूल में हो? ये कैंट के अंदर हो, मैं भी उधर से पास आउट हूं भाई। फादर किस आर्मी में? किस पोस्ट में? नाइट पे। अच्छा, तो चलो यार बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, जाओ खेलो आप। तो भाई ये है स्टेडियम, आपने देख ही लिया होगा चित्रकूट स्टेडियम। और तो यार आपने देखा बच्चे किस तरीके से मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये देखिए वेट फेंकने की प्रैक्टिस कर रहा भाई, ये देखिए लड़की, ये भाई देखना, अभी देखते हैं लड़की वेट फेंकेगी। भाई यार वेट फेंकने की बहुत अच्छी प्रैक्टिस चल रही है यार यहाँ तो। तो भाई यही हैं वो लोग जो आगे भाई जाके अपना इंडिया का नाम रोशन करते हैं, ये बच्चे ये देखिए कैसे तैयारी कर रहे हैं रनिंग की। अच्छा, ये मतलब यहाँ पे रनिंग की फुल पावर प्रैक्टिस भी कर सकते हो आप, है ना? मतलब पूरी 400 मीटर का है क्या ये ग्राउंड? 400 मीटर का, पास से दौड़ोगे ना। अच्छा, 400 मीटर है, दूर से दौड़ोगे 600 मीटर पड़ेगा। अच्छा, तो यार इस तरीके से एक्सरसाइज करने आते हैं लोग, आप देख सकते हो कितनी मेहनत कर रहे हैं लोग, मतलब वॉकिंग के लिए भी आ सकते हो आप। तो भाई ये है जयश्री पैरीवाल स्कूल, और इसके जस्ट टच में ही है ये प्रताप स्टेडियम, चित्रकूट स्टेडियम जिसको बोलते हैं यहाँ जयपुर वाले, लेकिन इसका नाम है वैसे एक्चुअल नेम है इसका प्रताप स्टेडियम। और यहाँ पे बच्चे अलग अलग प्रैक्टिस करने आते हैं, जैसे कि देखिए बास्केटबॉल मैच चल रहा है यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप, ये बास्केटबॉल की प्रैक्टिस चल रही है, और ये जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसका चार्जेस नहीं है आप। हाँ, यहाँ पे कोच है, अगर आप भी कोचिंग देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप आके कोचिंग दे सकते हैं, आप उसके कुछ चार्जेस भी ले सकते हैं। और जो ये अलग है टेनिस कोर्ट है, टेनिस कोर्ट में पहले से कोच वगैरह है, मैंने नवीश भाई से पता किया है,
तो वहाँ पे चार्जेस दे के आप कोचिंग ले सकते हैं। और ये चलते हैं, अभी नवीश भाई ने कोई इंटरव्यू ले रहे हैं, देखते हैं जरा किस चीज़ का इंटरव्यू ले रहे हैं। ये अभी हमें मिलवाएंगे ओलंपिक प्लेयर से, उनको लेके चलो, मैं बुलाऊं। तो चलो, लेके चल रहे हैं। आपका क्या नाम है भाई? मेरा भानु प्रताप सिंह। भानु प्रताप सिंह मिलवाएंगे आज हमें ओलंपिक प्लेयर से, हम यहाँ पे आए ब्लॉग बनाते हुए। तो चलिए देखते हैं, आज करते हैं बात। तो भाई ये देखिए प्रैक्टिस कैसे चल रही है, जबरदस्त। ये देखो भाई किस तरीके से यहाँ एक्सरसाइज चल रही है। ये है प्रताप स्टेडियम और ये भाई लोग कर रहे हैं तैयारी। ये इनमें से आधे तो एथलीट हैं और आधे आर्मी वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये पूरा 400 मीटर का राउंड है एक, और ये पूरा लगाते हैं अपने। कौन सी किस चीज़ की एक्सरसाइज, क्या प्रैक्टिस करते हो? फुटबॉल। अच्छा फुटबॉल, कब से खेल रहे हो? सुबह भी आते हो शाम को? 4 साल से। कौन सी स्कूल से? अच्छा ये जो पास में, ये वाली रेड वाली? अच्छा महापुरा में जो है। तो कोच वगैरह से प्रैक्टिस करते हो या फिर खुद से सेल्फ कोच? चलो यार बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है आपका, नाम बताओ? भाई जूते पहन रहा है दिव्यांश, कहाँ की जाने की तैयारी कर रहे हैं भाई? विहान भाई। हाँ तो हम आ गए हैं भाई, अब सर से बात करेंगे। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम श्री राम सिंह है। तो अच्छा, तो सर आप यहाँ पे क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं और कब से ट्रेनिंग दे रहे हैं? देखिए मैं यहाँ तो अपनी खुद घूमने के लिए आता हूँ। हाँ। और जो बच्चे पूछते हैं उनको मैं गाइड कर देता हूँ, बता देता हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि मैं आपके, अच्छा आपके अचीवमेंट्स बताएंगे। मैं 3 एशियन गेम्स और 3 ही ओलंपिक खेले। अच्छा। और भारत सरकार से अर्जुन पुरस्कार भी जीता हूँ, पद्मश्री हूँ। अच्छा। और यहीं चित्रकूट में रहता हूँ तो ग्राउंड पे आ जाता हूँ, अपनी एक्सरसाइज कर लेता हूँ, जो बच्चे पूछते हैं उनको गाइड करते हैं। अच्छा। और उनको यहाँ ट्रेनिंग भी देते हैं। और अंकल आपकी एज कितनी होगी अभी? अभी मेरी 72 होगी। 72 है बट लगते नहीं अंकल आप, मतलब बच्चों को जो भी बच्चे पूछते हैं उनको बताते हैं। अच्छा अच्छा। यहाँ चलता है तो कोई भी आना चाहे और आपसे ट्रेनिंग लेना चाहे तो डायरेक्ट आपसे देते हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट है अपना, कोई गाइड कर देते हैं बच्चों। आप तो बच्चे जो पूछते हैं उनको बता देते हैं। तो ये है कि जो बच्चा पूछता है अच्छे अच्छे हैं उनको मेहनत कराते। हाँ मेरे को इन्होंने, जैसे इन्होंने बताया कि हमारे सर हैं जिनसे हम ट्रेनिंग ले रहे हैं तभी हम आपके पास आए। तो ये बच्चे भी यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह ही ले रहे हैं क्या? मेरा पोता है। अच्छा आपका क्या नाम है? राघवेंद्र सिंह। अच्छा राघवेंद्र सिंह से। तो ये हमारा बाकी बच्चे। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर कोच सर, आप इतनी हेल्प कर रहे हैं बच्चों की, आप उनको स्पोर्ट्स के अंदर इतनी हेल्प कर रहे हैं आगे जाने के लिए, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत अच्छा लगा आपने। तो भाई बच्चों ने वापस बुलाया हमें, चैनल सर्च कर रहे हैं, इनको चैनल मिला नहीं है। ये हमारे भैया हैं, ये यूट्यूबर है, हमारा भी चैनल है। अच्छा लोग ऐसे बनता है, कभी यूं नहीं बनता, ठीक है? नहीं ये सही बना रहा है एकदम, लैंडस्केप बना रहा है सही, लैंडस्केप मोड में बनता है वो शॉट्स। ये बच्चे कर रहे हैं भाई यहाँ पे सब्सक्राइब, और ये नवीश भाई इनको सब्सक्राइब कर करके दे रहे हैं चैनल। तो ये बता रहे हैं सौरव जोशी के कजिन लगते हैं। अच्छा ये सौरव जोशी के कजिन, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहित जोशी है। मोहित जोशी है, अरे भाई जोशी तो भाई यहाँ पे हो रहे हैं चैनल सब्सक्राइब, और ये बच्चे सब चैनल पूछ रहे हैं और सब्सक्राइब करने के लिए। तुम डेली आते हो ना? डेली आते हो ना? हाँ तो कल मिलेंगे, कल। अरे हम यहाँ क्या बाहर तक ही आते हैं, हम क्या बाहर तक ही आते हैं, लेकिन आज अंदर आ गए व्लॉग बनाने के पर्पज से। तो आज क्या कैमरा भी था मेरे बैग में तो मैंने सोचा कि यार अंदर का बना दो, ठीक है? मिलके अच्छा लगा आप लोगों से। हमारे को तो गंदा लगा। क्यों? हमारा क्या मुंह बदबू मार रहा था क्या दूर तक? ये बदतमीज है क्या? अच्छा हम भी पढ़े यार, हम भी पहले स्कूल में क्या बदतमीज होते थे, इसकी गलती नहीं है बच्चे की। हाँ ये यार समझ गए यार, पकड़ गए ये जबरदस्ती अंग्रेज बन रहा है देसी आदमी। यार मजाक अच्छा करता हूँ भैया।
तो भाई ये व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आपने देखा बच्चे किस तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, यहाँ पे फिजिकल वर्कआउट कर रहे हैं, वो चाहे किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हो एथलीट की या फिर किसी कंपटीशन के लिए रनिंग की तैयारी कर रहे हो, वेट लिफ्टिंग की कर रहे हो। और काफ़ी लोग यहाँ पे वो भी हैं जो भाई अच्छे अच्छे एथलीट रह चुके हैं। तो व्लॉग का करते हैं भाई यहीं पर एंड। तो ये था भाई प्रताप स्टेडियम के अंदर जो हमने ब्लॉग बनाया है, किस तरीके से बच्चे तैयारी कर रहे हैं भाई यहाँ पे। तो जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं सारे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें इन बच्चों के लिए।